हम दोनों को झूठ के जाल में फंसाया क्या? लेकिन पायल इतना गिर कैसे सकती है बिंदिया? पल्लू इतनी आसानी से सच कबूल करने नहीं वाली, हमें उसकी ही चाल चलकर उसे मार देना होगा। सुहागन इस सोमवार और मंगलवार शाम। सुहागन सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप हम देख रहे कि भाई साक्षी और पायल दोबारा से एक नई चाल के साथ सामने आई है। दोबारा से वो बिंदिया को मारने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिंदिया को पहले बेहोश करती हैं, फिर यहाँ से वो बिंदिया को एक सुनसान जंगल में ले जाती है। हम दोनों को झूठ के जाल में फंसाया क्या? लेकिन पायल इतना गिर कैसे सकती है बिंदिया? पल्लू इतनी आसानी से सच कबूल करने नहीं वाली, हमें उसकी ही चाल चलकर उसे मार देना होगा। सुहागन इस सोमवार और मंगलवार शाम। जहाँ पर उन्होंने एक काफी गहरा गड्ढा खोदा हुआ होता है और इस बार वो बिंदिया को ताबूत में बंद कर वो गड्ढे में ढक देते, ताकि भाई बिंदिया जो है दोबारा से अब इस घर में वापस ना आए और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से ही टाटा बाय बाय कर जाए। पहले तो वो घर से उससे चाहती थी वो टाटा बाय बाय करे, लेकिन अब वो चाहती है कि वो दुनिया से ही चली जाए। और यहाँ आगे आने वाले एपिसोड में हम देखते कि भाई हमारी बिंदिया मैडम जो है बड़ी मेहनत के बाद खुद को बचा लेती है, खुद की जान बचाती है और इस बार वो घर पर वापस आती है और पूरा मिट्टी से लथपथ होती है। और इस बार बिंदिया को घर वाले जो देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि बिंदिया जो है काफी भूत की तरह लग रही होती है, इतनी मिट्टी में जो वो लथपथ होती है। और यहाँ पर दोबारा से साक्षी और पायल जो है वो शॉक में आ जाती है, कहती कि भाई इसे तो हम मार कर आए थे लेकिन भाई फिर से ये वापस आ गई। और इस बार हमारी बिंदिया मैडम जो है वो प्रूफ करने वाली है कि उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा है। और इस बार बिंदिया के हाथ में कुछ बाल लगे हैं जो उसे मिला था, जो भी उसे मारने की कोशिश करता है। और इस बार बिंदिया जो है डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाएगी कि कौन उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर कृष्णा जो है वो बिंदिया के कमरे में जाता है उसे चूहे से डराने के लिए, लेकिन यहाँ पर बिंदिया को शक होता है कि कृष्णा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच यहाँ पर बहुत जल्द हम देखने वाले हैं कि भाई कौन है जो बिंदिया को मारने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पता है लेकिन बिंदिया को नहीं पता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा जब बिंदिया के सामने ये सच्चाई आएगी।